Chauffeur drivers cause more accidents. Objection, badgering. Sustained. Objection, argumentative. Leading the witness. Ambiguous, privileged, inflammatory. Sustained. Good morning everyone. My name is Vansh Nagpal. Welcome back to Juris Legal Chambers. आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले What are the 7 most common legal objections? Basically, अगर आपके opposing counsels इन objections को यूज करें तो what is the best response to these objections, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में. और साथ में how does the court respond to these objections? What is the best time to raise these objections before the honorable court? So let's start the video. So our first legal objection is leading. Basically leading questions वो होते हैं जो questions खुद एक answer suggest करते हैं. Basically जब counsel कोई ऐसा question पूछता है witness से जिसमें question के अंदर ही एक answer होता है, that is a question is suggesting an answer in itself. उस केस के अंदर witness को सिर्फ yes या no में answer करना होता है. मैं आपको इसका example देता हूँ. अगर मैंने witness से ये पूछा कि is that correct that Mr. Mehta used to consume alcohol on daily basis, तो इसमें witness को सिर्फ yes या no में आंसर देना है, तो this is a leading question. इसकी exception होती है कि cross examination में आप ये objection raise नहीं कर सकते, because cross examination में सारे advocates leading questions ही use करते हैं. So basically अगर आपका opposing counsel ये leading का objection use करता है, तो उस case में you have to tell the court that you have asked that question to establish a foundational issue in a quick manner, that is to save the time of the court. Second legal objection is asked and answered. जब कोई चीज एक बारी पूछ ली गई और उसका आंसर दे दिया हो गया हो और उसे दोबारा पूछा जा रहा हो, तो उस टाइम पे ये ऑब्जेक्शन को आप रेज कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल अगर आपका अपोजिंग काउंसिल आपके विटनेस से ये पूछता है दैट व्हाट वाज द पर्पस ऑफ योर विजिट एट क्राइम सीन, आपके विटनेस ने इस चीज का आंसर कर दिया. अब 2-3 क्वेश्चन के बाद घुमा फिरा के वो काउंसिल दोबारा ये बात पूछता है दैट व्हाट वर यू डूइंग एट विक्टिम्स फ्लैट बिफोर द क्राइम, तो इस केस के अंदर विटनेस जो है, जो आपका काउंसिल है, वो अपोजिंग काउंसिल वो सिनोनिम्स यूज करके या घुमा फिरा के लैंग्वेज चेंज करके एक तरीके से क्वेश्चन को बार बार ही पूछता रहता है, तो उस केस के अंदर आप इस ऑब्जेक्शन को रेज कर सकते हो. अगर आपको अपोजिंग काउंसिल इस ऑब्जेक्शन को रेज करता है, अगर वो बोलता है कि आस्क्ड एंड आंसर्ड, तो उस केस में आप सामने जज को ये बोल सकते हो दैट विटनेस इज ट्राइंग टू डॉज द क्वेश्चन बाय गिविंग वेग आंसर्स. वेल, थर्ड लीगल ऑब्जेक्शन इज कॉल्स फॉर स्पेक्यूलेशन. स्पेक्यूलेशन का मतलब होता है गैस करना. कहीं पे भी अगर आपके विटनेस से कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है जहां पे उसे कोई आंसर गैस करके बोलना है, तो उस केस में आप ये ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल अगर आपके विटनेस से पूछा गया डू यू थिंक मिस्टर मेहता कुड किल समवन और कुड मर्डर समवन, तो इस केस के अंदर आपके विटनेस को एक तरीके से गेस करके आंसर करने को बोला जा रहा है, तब आपको ऐसे ऑब्जेक्शंस रेज करने चाहिए. अगर आप कॉल्स फॉर स्पेक्यूलेशन का ऑब्जेक्शन रेज करते हो तो मोस्ट प्रोबेबली जज जो है आपका ऑब्जेक्शन को मान लेगा. उसका रीजन ये है स्पेक्यूलेशन और गेसिंग की प्रोबेटिव वैल्यू बहुत कम होती है, दैट्स व्हाई दे आर इनएडमिसिबल. सो इस ऑब्जेक्शन का एक एक्सेप्शन है, जब भी कभी अगर किसी एक्सपर्ट विटनेस को बोला जाए कि वो आके अपना गैस बताए, अपना कोई स्पेक्यूलेट करे कि किसी चीज को गैस करके बताए अपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के थ्रू, तो हो सकता है कोर्ट इसे अग्री कर जाए और कोर्ट उसे अलाउ कर दे. अगर आपका अपोजिंग काउंसिल इस ऑब्जेक्शन को यूज करता है तो आप वहां पे ये जवाब दे सकते हो अगर विटनेस को आंसर नहीं पता, सो ही मे टेस्टिफाई दैट ही डजंट नो द आंसर एंड आई विल मूव ऑन. फोर्थ लीगल ऑब्जेक्शन इज नॉन रिस्पॉन्सिव. बेसिकली दिस इज वन ऑफ द इजिएस्ट लीगल ऑब्जेक्शन. जब भी कभी विटनेस आंसर ना कर रहा हो, आपके क्वेश्चन का आंसर ना कर रहा हो, उस केस में आप ये ऑब्जेक्शन यूज कर सकते हो एंड द जज विल कंपेल द विटनेस टू आंसर द क्वेश्चन. फॉर एग्जांपल अगर आपने विटनेस से पूछा कि उस टाइम पे आप कहाँ पे थे और विटनेस चुप बैठा हुआ है या विटनेस कुछ और आंसर कर रहा है, कोई वेग आंसर कर रहा है, तो उस केस में आप ऑब्जेक्शन नॉन रिस्पॉन्सिव यूज कर सकते हो. फिफ्थ ऑब्जेक्शन इज इररिलेवेंट या वेग एज टू टाइम. बेसिकली अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपके विटनेस से जो रेलिवेंट नहीं है या जिससे कोर्ट का टाइम वेस्ट हो रहा है, तो उस केस में आप ये ऑब्जेक्शन यूज कर सकते हो. अगर फॉर एग्जांपल अगर आपका विटनेस है मिस्टर शर्मा से ये पूछा जा रहा है कि उनके बच्चों की एज क्या है व्हाइल इन द केस ऑफ चेक बाउंस, तो दिस इज पर्टिकुलरली इररिलेवेंट क्वेश्चन, तो इस केस में आपको ऑब्जेक्शन रेज करना है. इसका एक्सेप्शन है जब इंट्रोड्यूस कर रहा हो कोई विटनेस खुद को डायरेक्ट एग्जामिनेशन में, इंट्रोडक्टरी पॉइंट पे अगर कोई विटनेस अपनी फैमिली के बारे में बताता है या कोई ऐसी चीज बताता है विच इज वेग एट टाइम, तो वो इसका एक्सेप्शन होता है। उस केस में आपको ये ऑब्जेक्शन रेज नहीं करना होता। और वैसे अगर आपका अपोजिंग काउंसिल इस ऑब्जेक्शन को यूज करता है, देन यू हैव टू टेल द कोर्ट दैट दिस एविडेंस हैज प्रोबेटरी वैल्यू बिकॉज ऑफ XYZ रीजन, जो भी आपका रीजन है। सिक्स्थ ऑब्जेक्शन इज हियरसे। बेसिकली हियरसे इज वन ऑफ द मोस्ट टेक्निकल ऑब्जेक्शंस। हियरसे का मतलब होता है कोई चीज आपने सुनी और उसे आगे आप अपनी भाषा में बता रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, कोई स्टेटमेंट किसी और ने बोली, उसे मैं आगे अपनी लैंग्वेज में चेंज करके बताता हूँ या बिना चेंज किए भी बताता हूँ, तो भी वो हियरसे में इंक्लूडेड होती है बिकॉज कोर्ट को ऐसा लगता है इसकी प्रोबेटिव वैल्यू कम है। रैदर जिस बंदे ने बोला है अगर उसे ही स्टैंड पर बुलाया जाए तो उसकी प्रोबेटिव वैल्यू हाई रहेगी। अब इसका एग्जाम्पल है, अगर मिस्टर एक्स को गार्ड ने बोला कि ए ने बी का मर्डर किया है, तो मिस्टर एक्स जाके कोर्ट में ये नहीं बोल सकता कि ए ने बी का मर्डर किया। मिस्टर एक्स जाके ये बोल सकते हैं कि मुझे गार्ड ने बोला कि ए ने बी का मर्डर किया, एंड द कोर्ट विल डिसाइड कि गार्ड को बुलाना है स्टैंड पे या नहीं बुलाना, ये पूछने के लिए कि मर्डर में हुआ क्या था, सीन क्या था। अब बेसिकली इसकी एक्सेप्शंस बहुत सारी होती है, जैसे मैंने भी आपको बताया। अगर आप इसके ऊपर मुझे चाहते हैं कि मैं सेपरेट वीडियो बनाऊं तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अगर आपका अपोजिंग काउंसिल बताता है कि ये हियरसे में आएगा, तो आपको उसके एक्सेप्शंस यूज करनी है, आपको बताना है क्यों वो हियरसे में नहीं आएगा। वेल, सेवेंथ एंड लास्ट ऑब्जेक्शन फॉर टुडे इज एम्बिगुअस क्वेश्चन। जब भी आपको लगे कि कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा गया जिसके बारे में आप श्योर नहीं हो कि क्वेश्चन क्या पूछा गया मेरे विटनेस से, या आपका विटनेस कंफ्यूज्ड हो कभी भी उसके अंदर, अगर फॉर एग्जांपल किसी क्वेश्चन के अंदर कोई टेक्निकल जार्गन्स यूज किए हुए, लीगल मैक्सिम्स यूज किए हुए, लीगल फ्रेजेस यूज किए हुए जो आपके विटनेस को शायद नहीं समझ आए, तो उस केस में आप पोलाइटली कोर्ट को बोल सकते हैं या फिर अपने अपोजिंग काउंसिल को बोल सकते हैं टू रीफ्रेज द क्वेश्चन। अगर यही ऑब्जेक्शन आपका अपोजिंग काउंसिल यूज कर रहा है, देन यू जस्ट हैव टू सिंपली से दैट आई विल रीफ्रेज माय क्वेश्चन। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ डज द कोर्ट रिस्पॉन्ड टू दीज ऑब्जेक्शंस। देयर कैन बी टू ऑप्शंस। फर्स्ट, द कोर्ट विल अग्री टू योर ऑब्जेक्शन। सेकंड, द कोर्ट विल डिसअग्री। जब भी कोर्ट आपके ऑब्जेक्शन से अग्री करेगा, द कोर्ट विल से ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। इसका मतलब कोर्ट मान रहा है आपके ऑब्जेक्शन को, कोर्ट आपके पॉइंट ऑफ व्यू से अग्री कर रहा है। और वेयरएवर द कोर्ट डिसअग्रीज विद योर ओपिनियन, the court will say objection overruled and the proceeding will keep on going in the same manner without any change. Well, next question is, what is the best time to raise the objection? Being an advocate, your main motive is to get the relief, right? So objection raise करते हुए आपको एक चीज का ध्यान रखना होता है, कभी भी ऐसे टाइम पे objection raise मत करो जिससे आपको लग रहा हो जरूरत नहीं है objection raise करने की। अगर आप ऑब्जेक्शन रेज कर रहे हो तो जस्ट मेक श्योर कि उस ऑब्जेक्शन को कोर्ट एप्रिशिएट करे, ये ना लगे कि आप कूल आउट करने की कोशिश कर रहे हो या फिर आप कोर्ट का टाइम वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो। देयर आर ऑब्जेक्शंस लाइक नॉन रिस्पॉन्सिव, जिसपे कोर्ट आपको काफी इजीली रिलीफ ग्रांट कर देगा। वो विटनेस को बोलेगा दैट यू हैव टू रिस्पॉन्ड टू दिस क्वेश्चन। बट देयर आर सम ऑब्जेक्शंस लाइक आस्क्ड एंड आंसर्ड। इन ऑब्जेक्शंस को आपको सिर्फ तब रेज करना चाहिए जब कोर्ट फ्रस्ट्रेट हुआ हो ऑलरेडी, कोर्ट को जब लग रहा हो कि एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट करा जा रहा है। देयर इज अ गोल्डन रूल, आपके ऑब्जेक्शंस को काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाएगा अगर आप उन्हें तब यूज़ करोगे जब कोर्ट आपके ऑब्जेक्शंस की यूजेज से रिलीफ फील करे। आपको कोर्ट के माइंडसेट को पढ़ना है। अगर आपको आपके ऑब्जेक्शन से कोर्ट को ये लगेगा कि हाँ ये ऑब्जेक्शन यूज होना चाहिए था, तो आपके ऑब्जेक्शंस को काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो जस्ट गिव इट अ थम्स अप। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, आपको सारी मेरी रेगुलर वीडियोस मिलती रहेगी। और अगर आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स सो मच।